नगरोटा हमले के बाद एक तरफ जहां सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो वहीं संसद में भी आज इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में नगरोटा हमले का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों के सांसद वेल में उतर आए और उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने नगरोटा आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री के बयान की मांग की है, जिस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सुरक्षा बल देश के दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा है और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आतंकियों से निपटने में केंद्र सरकार नाकाम रही है, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी कांग्रेस और अन्य दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट का नियम है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका आदर करते हैं, हमारे जो सैनिक मारे गए हैं आज पहली बार है कि उनका सम्मान नहीं किया। बाद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तृणमूल नेता संदीप बंदोपाध्याय के साथ लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। नेताओं ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का मामला स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने उठाया। तो अब नगरोटा हमले पर भी सियासत शुरू हो गई है। नोटबंदी पर अभी तक गतिरोध खत्म भी नहीं हुआ था कि अब नगरोटा हमले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।